आश्चर्य, अपार बल, पराक्रम और वैभव से संपन्न इस लंकेश रावण का व्यक्तित्व अनुपम है। जिसके सुगठित तन में अद्भुत शक्ति का संचय है, जो अद्वितीय तेज पुंज के समान दमकता, स्वयं महादेव के समान प्रतीत हो रहा है। कोई साधारण वानर नहीं, अवश्य कोई देवता है। दया और करुणा की प्रतिमूर्ति ये देवी सदैव अपने पति को दुष्कृतियों में लिप्त देखकर कितनी अपार वेदना का अनुभव करती होंगी। इनका हृदय फट पड़ता होगा ये जानकर कि वो दुष्ट इनका स्थान छीनकर एक पराई स्त्री को देना चाहता है। कैसी दिव्य शक्ति है इस वानर की, जिसने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। मेरे प्रिय पुत्र का सहारक है ये, परंतु फिर भी मेरे हृदय में इसके प्रति घृणा जागृत नहीं हो रही। इनकी सहनशीलता को नमन करता है हनुमान। अपने पति के कुकर्मों के कारण पुत्र खोने की असहनीय पीड़ा मिलने के बाद भी इन्होंने अपनी शालीनता और सौम्यता को नहीं छोड़ा। किसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, ये क्या सोच रहा हूं मैं, इसकी माया से मोहित होकर भ्रमित नहीं हो सकता रावण। अवश्य वानर भेष में ये उस दुष्ट इंद्र का कोई भेदिया है। पुत्र मेघनाथ, तुमने इस मायावी वानर को बंदी बनाकर महान पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पुत्र देखो, सभी मेरे पुत्र की वीरता का प्रमाण देखो। जिस प्रकार एक निपुण आखेटक एक मदमस्त गज को अपने वश में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार मेरे वंश के गौरव, मेरे प्रतापी पुत्र मेघनाथ ने वश में किया है इस उन्मत्त पशु को। उन्मत्त पशु, जय श्री राम। इस वानर में इतना अधिक बल, प्रभु श्री राम की भक्ति में बंधे इस राम दूत को अन्य किसी भी बंधन में बांधना असंभव है। मेरे प्रभु श्री राम के सिवा इस राम भक्त को अन्य कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। इस राम भक्त के समक्ष गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगने वाला तुम्हारा ये मूर्ख कपटी पुत्र मेघनाथ तो कदापि नहीं। सर्वशक्तिमान देवता भी मुझे अपने दिव्य अस्त्रों से बांधने में अक्षम हैं, तो तुम राक्षसों में इतना सामर्थ्य कहां। तुमसे भेंट करने के लिए स्वेच्छा से मैंने ब्रह्मास्त्र के पाश को अपने ऊपर धारण किया, परंतु जैसे ही तुम्हारे इन मूर्ख राक्षस योद्धाओं ने मुझे रस्सियों से बांधा, मैं ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त भी हो गया। राम काज को पूर्ण करने के लिए मैं स्वेच्छा से तुमसे मिलने आया हूं लंकेश, इसलिए राम दूत जानकर मुझे मेरा आसन दो, जिससे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान कर सकूं लंकेश, और जिससे तुम्हारा और संपूर्ण राक्षस कुल का कल्याण हो सके। तुम सद्बुद्धि दोगे मुझे?
समस्त वेदों का ज्ञान जिसके 10 शीशों में संचित है, उस महाज्ञानी महापंडित लंकेश रावण को सीख दोगे तुम? मेरी राज्यसभा में बैठने का अधिकार मांगने वाले, तुम तो मेरे समक्ष खड़े होने की योग्यता भी नहीं रखते, तुच्छ वानर। तुच्छ वानर। सखा विस्तार की पूछा, आसनता से बना लिए ऊंचा। रामदूत को तुमने आसन नहीं दिया लंकेश, और मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया, किंतु ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं था, इसीलिए मैंने स्वयं अपने आसन का निर्माण कर लिया। तो कहो, अब तो मैं तुमसे वार्तालाप करने के योग्य हो गया ना? आसन के योग्य वो होता है जिसे सामने से आसन दिया जाए। ऐसी तुच्छ मायावी क्रीड़ा तो लंका के प्रहरी भी कर लेते हैं। इस प्रकार तुम लंका की राजसभा में आदर प्राप्त नहीं कर सकते। तुम तब भी मेरे लिए एक तुच्छ वानर थे, और अब भी तुच्छ वानर ही हो। तुच्छ वानर, सत्य कहते हो लंकेश। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने अपने बाल्यकाल से अनेक अवसर पर तुम्हें लज्जित कर तुम्हारे नेत्रों की निद्रा को छीना है। मैं वही तुच्छ वानर हूं दशानन, जिसने वृक्षासुर, चक्रासुर, मेघासुर जैसे दुर्दांत अनगिनत राक्षसों का वध किया है। मैं वही तुच्छ वानर हूं जो एक ही छलांग में 100 योजन पार कर तुम्हारी लंका तक पहुंच गया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने एक ही मुष्टि प्रहार से विकराल राक्षसी लंकनी को धाराशाही कर तुम्हारी लंका में प्रवेश किया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारी अशोक वाटिका को उजाड़ कर रख दिया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारे सैनिकों और सेनापति प्रहस्त्र पुत्र शूरवीर जंबू माली के साथ उसके सातों भाइयों का संहार किया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारे परम पराक्रमी पुत्र अक्ष कुमार को तुम्हारी ही लंका में काल के मुख में भेजा। स्मरण करो लंकेश, मैं वही तुच्छ वानर हूं जो अपने बाल्यकाल में ही तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारे समक्ष खड़ा था।
वही तुच्छ वानर जिसने तुम्हें चुनौती दी थी और फिर तुम पर दया कर तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया। प्राण दान मैंने दिया था तुम्हें, क्योंकि वहां स्वयं महादेव का आगमन हुआ था, किंतु आज तुम्हें कदापि क्षमा नहीं किया जाएगा, कठोरतम दंड प्राप्त होगा तुम्हें, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। हाँ हाँ, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हाँ हाँ, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसके लिए मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्युदंड? परंतु क्यों? क्या अपराध किया है मैंने? अपने अपराधों का वर्णन तो तुमने भरी राज्यसभा में अपने मुख से किया है वानर। सेनापति प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली, भ्राता अक्ष कुमार के साथ अनेक राक्षस योद्धाओं के वध के अपराध की लंबी सूची है तुम्हारे नाम, दुष्ट वानर। वानर हूं किंतु दुष्ट नहीं हूं मैं मेघनाथ। हां, यह सत्य है, उन सभी का वध किया है मैंने, परंतु आत्मरक्षा में किसी का संहार करना कहां का अपराध है? किसी भी राक्षस योद्धा पर प्रथम प्रहार नहीं किया मैंने, मैंने तो मात्र उनका उत्तर दिया है। वेदों के ज्ञाता हो तुम लंकेश, महापंडित हो, तो बताओ मुझे वेदों की किस सूक्ति के अनुसार आत्मरक्षा करना अपराध है? तो आत्मरक्षा नहीं थी वानर, उन्होंने तुम पर आक्रमण किया क्योंकि तुमने अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट करने का अपराध किया। लंबी यात्रा से क्लांत, क्षुधा तृष्णा से व्याकुल लंका के इस वानर अतिथि को वाटिका के फलों को आहार बनाते देख वार करने का दोष तो उन्होंने किया था। फल तो ईश्वर की देन है, जिन्हें खाकर मैं तो बस अपनी क्षुधा मिटा रहा था, और हम वानरों का तो स्वभाव ही ऐसा है, खाते कम है और तोड़ते अधिक। क्या इस लंका में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि एक वानर की क्षुधा शांत कर सके? उसे अपराध मानकर मुझ पर आक्रमण कर दिया तुम्हारे सैनिकों ने। अपनी इन घुमावदार बातों से तुम अपना अपराध नहीं ढक सकते वानर। ठीक है रावण, तुम कहते हो तो मानता हूं मैं अपना अपराध। मैं तो एक तुच्छ पशु हूं, अज्ञानी हूं, मुझसे ये क्षुद्र अपराध होना तो स्वाभाविक है, परंतु तुम तो सर्वज्ञाता हो, राक्षसों में पूजनीय महापंडित महाज्ञानी हो, तो तुमसे इतना घोर अपराध कैसे हो गया? एक पर स्त्री का अपहरण तुमने किस अधिकार से किया रावण? प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता का अपहरण कर तुमने बहुत घृणित अपराध किया है लंकेश। प्रभु श्री राम का यह साधारण सा दूत तुम्हें यह समझाने की चेष्टा कर रहा है कि माता सीता को बंदी बनाना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। अभी भी समय है, चेत जाओ, लौटा दो माता सीता को।
प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करो, सुधार लो अपनी ये भूल, आदर पूर्वक लौटा दो माता सीता को प्रभु श्री राम के पास। प्रभु प्रभु प्रभु, कहां का प्रभु, कौन सा प्रभु? हे वानर, एक वनवासी नर को प्रभु बोलकर तुम परिचय दे रहे हो अपनी वानर बुद्धि का। वानर बुद्धि नहीं, मेरी भक्ति बोल रही है लंकेश। जिन वनवासी नर ने अपने एक ही बाण से ताड़का जैसी महाराक्षसी का वध किया, उन्हीं महापराक्रमी प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं, जिनके एक ही बाण के वार से ताड़का पुत्र सुबाहु ने अपने प्राण त्यागे और उसके दूसरे पुत्र मारिच को अपने प्राण बचाकर भागने पर विवश कर दिया। उन्हीं महाबली महापराक्रमी दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं, उस मारिच को जिसने तुम्हें स्वर्ण मृग का रूप धारण कर छलावा करने के लिए प्रेरित किया था, उसे अपने एक ही बाण से जिन्होंने प्राणों से पृथक किया, उन्हीं महान तेजस्वी प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। तुम्हारे शक्तिशाली महापराक्रमी भ्राता खरदूषण और उनके 14,000 राक्षसों का एकाकी संहार किया, उन्हीं महायोद्धा प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। वानर राज बाली से तो तुम्हारा परिचय था ना, वही बाली जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबा लिया था। उस महाशक्तिशाली बाली को जिन्होंने अपने एक ही बाण से स्वर्ग लोक भेजकर महाराज सुग्रीव को राजपद आसीन किया, मैं उन्हीं दयावान धर्मात्मा प्रभु श्री राम का दूत हूं। और कुछ हो न हो, परंतु तुम्हें इतना तो अवश्य स्मरण होगा, जिस शिव धनुष को तुम हिलाने में भी असमर्थ थे, वो शिव धनुष जिनके हाथों में प्रत्यंचा चढ़ाते समय टूट गया, उन्हीं शूरवीर प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। तुम्हें शिव धनुष की स्मृति ना भी हो दशानन, किंतु कार्तिक वीर्य अर्जुन तो अवश्य स्मरण होगा, जिसने अनेक वर्षों तक तुम्हें बंदी बनाकर रखा था, जिनके दर्शन कर उन्हीं कार्तिक वीर के हंता श्री परशुराम को विष्णु अवतार होने का आभास हुआ था। मैं उन्हीं परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप देव स्वरूप प्रभु श्री राम का दूत हूं। अनन्य शिव भक्त हो न तुम रावण, तो सुनो, स्वयं महादेव जिनका नाम भजते हैं, उन्हीं परमात्मा स्वरूप प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं, जिनकी महिमा अनंत अपार है। उन प्रभु श्री राम के कोप का भाजन बनने से पूर्व मेरी बात मानकर शरणागत वत्सल क्षमाशील दया निधान प्रभु श्री राम के शरण में जाओ रावण। दंड दे दो इस वानर को। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी चेतावनी से भयभीत होकर मैं त्रिलोक विजेता रावण उस वनवासी नर को परमात्मा मान लूंगा? देखो इस उद्धम वानर का दुस्साहस, मुझ महाज्ञानी रावण को सीख देने चला है। Ha 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 ha!
अंधकार से भरे एक विशाल भवन को एक छोटा सा प्रकाश पुंज भी प्रकाशित कर सकता है रावण। सुनो इस तुच्छ वानर का निवेदन, रोक लो इस महाविनाश को, अन्यथा तुम्हारे प्राण तो जाएंगे ही, तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी योद्धाओं का भी अंत होगा। उनकी पत्नियां विधवा और बच्चे अनाथ हो जाएंगे रावण। उनके वृद्ध माता पिता अपनी संतानों को खो बैठेंगे। लंका वासियों के विलाप से ब्रह्मांड गूंज उठेगा। अभी तो तुम अशोक वाटिका के उजड़ने से रुष्ट हो लंकेश, परंतु तब क्या करोगे जब तुम्हारी ये स्वर्ण लंका ही नष्ट हो जाएगी, जब तुम्हारी ये स्वर्ण लंका ही नष्ट हो जाएगी। अहंकार व्यक्ति का विवेक हर लेता है और वो उचित और अनुचित का भेद नहीं कर पाता।